What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 29 जुलाई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:52 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी इंडेक्स और सभी स्टॉक्स की भी। तो आज और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यूएस फेड के मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा। तो कल निफ्टी इंडेक्स ने एक कंसोलिडेशन फेस का ब्रेकआउट दिया है, तो क्या आज इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,250। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और हमारे ब्रेकआउट लेवल को इसने कई बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का। जैसे लास्ट थर्ड अटेम्प्ट इसने ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 11,271 ये अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,292 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ये क्लोज भी हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में तो कमजोरी देखने को मिली, एक तेजी के बाद अभी फिर से पॉलिसी आने के बाद, पॉलिसी आने से पहले एक यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में 134 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट देखे तो लास्ट वन वीक से कुछ अच्छा खासा कर नहीं पा रहे, कमजोर दिख रहे यूरोपियन मार्केट्स। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा, हालांकि जापानीज इंडेक्स 178 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है। डाव फ्यूचर की बात करें तो अभी वहाँ पर भी एक हल्की सी कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एक्सटेंशन लेवल, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 100% का ये जो लेवल है इसके ऊपर इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। तो एज पर वीकली चार्ट का ये जो स्विंग हाई लो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टारगेट 11,700 का हो सकता है। लेकिन इससे पहले क्या डेली और आर्ली चार्ट में कुछ हर्डल्स है वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलते हैं डेली चार्ट में। ये वीकली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से ये लेवल्स निकल रहे हैं। अभी डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट का अगर लास्ट स्विंग हाई लो पकड़े तो हम देख सकते थे कि लास्ट चार ट्रेडिंग से ये 11,250 और नीचे 11,100 के रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। तो कल इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। ये ब्रेकआउट फेल्यूर भी हो सकता है अगर ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर आर्ली चार्ट में ये सस्टेन करते हुए दिखाई देता है तो यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकती है। और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हो सकता है 11,427, ऑलमोस्ट 400 का एक यहाँ पर लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये कल के हाई के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन कर पाता है तो। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट तो मिला है लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद कंफर्मेशन के लिए वेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है कंसोलिडेशन फेस का और नीचे 11,100 ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है, वीकली चार्ट का सिनेरियो हमने देख लिया। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर दें, ये इसका 5 मिनट का चार्ट है और अभी लास्ट यहाँ से जो स्विंग हाई लो मिल रहे हैं अगर उसको पकड़ के हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें इस तरह से, और एक लेवल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो इन लेवल्स को कैसे ये रिस्पेक्ट कर रहा है ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट अगर लेवल देखें 38.2% यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, बाद में 50% के पास इसने एक हाई लगाया। 61.8% का ये जो लेवल है, कई बार इस लेवल को इसने पेनिट्रेट किया, ऊपर जाने की कोशिश की और लास्ट में 76.4% का लेवल भी इसने पेनिट्रेट किया। इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया। तो अभी एज पर 5 मिनट के चार्ट का जो स्विंग हाई लो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टारगेट 11,332 का हो सकता है। अगर ये कल के हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखेगा तो नेक्स्ट टारगेट 11,332 का होगा।
तो ये 5 मिनट का एक चार्ट है जहाँ पर भी हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू एक लेवल यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी आज के लिए इंट्राडे लेवल्स देखें तो कल का जो ये हाई बन रहा है इसके ऊपर यानी 11,321 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,349। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,379। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और जो कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था यानी ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसका ये जो अपर बैंड था यानी अराउंड 11,237 के पास हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। अगर इस लेवल के नीचे ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक क्विकली छोटा सा 11,218 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EM है जो कि पिवट पॉइंट का S1 के लेवल के पास आ रहा है यानी 11,195। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।